अस्सलाम वालेकुम, सेकेंड ईयर कॉमर्स, मैं हूँ अफसा सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। तो हम आज के जो लेक्चर में बात करेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स को और किस तरह से उसकी रिडेम्पशन होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन्स, दो तरह के लोन्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स जो कि पेबल होते हैं विद इन अ लॉन्ग पीरियड, और दूसरे हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स जो कि हमें एक साल के अंदर अंदर उसकी अदायगी करनी होती है। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एक साल से ज़्यादा कर्ज़ा अगर हम किसी लोन को लेते हैं और उसको पे बैक करने के लिए एक साल से ज़्यादा कर्ज़ा हमारे पास होता है तो वो चीज़ हमारी कहलाती है लॉन्ग टर्म लोन। और इसी तरह से अगर हम विद इन अ ईयर हमने वापस करना है कोई लोन तो वो चीज़ हमारी कहलाती है शॉर्ट टर्म लोन। अगर हम लॉन्ग टर्म लोन्स को मज़ीद समझना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। एक आइदर इन द शेप ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि हम या तो एज अ डिबेंचर इशू कर देते हैं लोन्स जनरल पब्लिक को, यानी कि हमारे जिस तरह से पब्लिक शेयर्स खरीद रही थी इस तरह से हम कुछ सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं जो कि डिबेंचर सर्टिफिकेट्स होते हैं। और बजाय इसके कि जो जनरल पब्लिक हमारे शेयर्स परचेज करती, अब वो हमें एक कैपिटल बनाने के लिए हमें अपनी तरफ से एक अमाउंट दे रही होती है जो कि हमारे ऊपर एक लोन होता है, हम जनरल पब्लिक से लोन ले रहे होते हैं, वो चीज़ हमारी कहलाती है डिबेंचर्स। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं बाय ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स ऑन अ स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द लेंडिंग एजेंसी एंड द बोरोअर्स। ठीक है, यानी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एक खास टाइम पीरियड के लिए लोन ले लिया जाता है मुख्तलिफ लेंडिंग एजेंसीज से। तो ये दो टर्म्स होती हैं, दो तरीक़ेकार होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या तो वो डिबेंचर्स इशू करके लोन ले ले या फिर वो अलग से किसी एजेंसी से, फाइनेंस एजेंसी से लोन ले ले। क्योंकि हम यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स को पढ़ रहे हैं तो क्या होते हैं डिबेंचर्स इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट जनरली इशूड अंडर सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग अ लोन मेड टू द कंपनी एंड कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक कंपनी की सील के अंडर इशू कराया जाता है और उसके अगेंस्ट जो है कंपनी कुछ टर्म्स और कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये लोन हासिल कर रही होती है, दे नहीं रही होती बल्कि ये लोन ले रही होती है कंपनी। और इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस का ताल्लुक डायरेक्टली जाहिर सी बात है इंटरेस्ट से होता है और उसकी रीपेमेंट से होता है। यानी कि कितना डिबेंचर हमने, कितने रुपए का डिबेंचर एक इशू किया और उसको जब रिटर्न करने जाएगी कंपनी तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट वो पे करेगी और रीपेमेंट का सिलसिला क्या होगा, यानी कि कितने अरसे बाद होगा और कितनी टर्म्स पे किस तरीके से उसको कंपनी जो है वापस पे बैक करेगी अपने डिबेंचर होल्डर को। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मेजर जो डिफरेंसेस होते हैं एक शेयर होल्डर के दरमियान और डिबेंचर होल्डर के दरमियान। यानी कि शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कि हमने कंपनी का हमने बताया आपको कि जो कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज करते हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ओनर होते हैं ये कंपनी के, जबकि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, उन्होंने क्योंकि लोन दिया होता है कंपनी को। इसी तरीके से अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर्स जो हैं इनको डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि कंपनी को जब जब प्रॉफिट होगा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उतना ही डिविडेंड तकसीम करेगी एज अ प्रॉफिट। और अगर डिबेंचर होल्डर की बात करी जाए तो वहाँ पर हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तभी वो इंटरेस्ट दे, बल्कि प्रॉफिट हो या लॉस हो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें होता है कि डिविडेंड्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डिविडेंड्स जो इशू किए जाते हैं वो प्रॉफिट के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। यानी कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड भी ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड भी कम होंगे। जबकि अगर हम डिबेंचर होल्डर की बात करें तो डिबेंचर होल्डर जो है वो क्योंकि इंटरेस्ट ले रहा होता है तो वो जितना भी प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट हासिल कर लेगा। फिर अगला जो डिफरेंस इसमें आता है, शेयर होल्डर को राइट्स हासिल होते हैं, यानी कि हुकूक हासिल होते हैं कि वो कंपनी के अंदर वोटिंग में हिस्सा ले सकता है। जबकि अगर हम डिबेंचर होल्डर की बात करें तो डिबेंचर होल्डर को इस तरह का कोई राइट हासिल नहीं होता। फिर इसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप शेयर होल्डर्स हैव लास्ट रैंक फॉर पेमेंट। यानी कि जब भी कंपनी बंद हो रही होती है तो उसके अंदर सबसे आखिर में शेयर होल्डर की पेमेंट के बारे में जो है देखा जाता है, अब अदायगी की जाती है। लेकिन अगर डिबेंचर होल्डर की बात की जाए तो कंपनी अगर वाइंड अप की जा रही है, बंद की जा रही है, ख़त्म की जा रही है, तो इसके अंदर जो डिबेंचर होल्डर है उसको फुल पेमेंट की जाएगी किसी भी शेयर होल्डर को अदायगी करने से पहले। ठीक है,
यानी कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है शेयर होल्डर के लिए कि जब कंपनी बंद होती है तो जाहिर सी बात है कि कोई लॉस में जा रहा होगा, जब भी वो कंपनी बंद करेगा तो वहाँ पर लॉस की सूरत में शेयर होल्डर के हाथ में कुछ नहीं आता। जबकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले जो उनसे लोन लिए हुए होते हैं कंपनी उनको पहले कम्प्लीटली क्लियर करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स को इशू किस तरह से किया जाता है। जैसे हमने देखा था कि शेयर्स को भी इशू करने के तरीक़ेकार थे, इसी तरह डिबेंचर्स को इशू करने के भी यहाँ पे तरीक़ेकार बताए गए हैं कि डिबेंचर्स को हम कैश के ऊपर भी इशू कर सकते हैं और अदर देन कैश के ऊपर भी हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं कैश के ऊपर तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इशू फॉर कैश आर स्टडीड। किस तरह से हम कर सकते हैं? सबसे पहले इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार, यानी कि अगर मैंने कोई पार वैल्यू के ऊपर डिबेंचर इशू किया और उसको रिटर्न भी मैंने जो किया वो पार वैल्यू पे, यानी कि अगर मैंने 10 रुपये का लोन लिया था तो 10 रुपये के हिसाब से ही मैंने वापस कर दिया, एक ये केस हो सकता है। दूसरा इसके अंदर ये हो सकता है कि मैंने इशू किया था डिस्काउंट पे, लेकिन जब मैंने उसको वापस किया है तो वो मैंने पार वैल्यू पे वापस किया, ठीक है, यानी कि मैंने 10 रुपये की बजाय 8 रुपये का लोन लिया था और जब मैंने वापस किया उसको तो मैंने पार वैल्यू, यानी कि उसकी 10 रुपये की पार वैल्यू थी, उस पर मैंने उसको रिटर्न कर दिया। फिर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, मैंने प्रीमियम पे इशू किया था, यानी कि मैंने जो डिबेंचर्स लिए थे वो मैंने लिए थे 12 रुपये के हिसाब से, लेकिन जब मैं वापस करने गई हूँ लोन वापस किया मैंने, डिबेंचर वापस किए, तो वो मैंने 10 रुपये के हिसाब से रिटर्न किए। सेम इसी तरीके से पार वैल्यू पे हमने इशू किया और प्रीमियम पे हमने रिडेम्पशन करी। फिर लास्ट इसमें है इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ केसेज हैं हमारे पास कि हम किस तरह से डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद देख लेते हैं कि अगर हमने इस पूरे प्रोसेस में डिबेंचर्स इशू करने में और उसकी रिडेम्पशन में कुछ एंट्रीज़ पास करनी है तो वो किस तरह से होंगी। रिडेम्पशन का मतलब पहले आप समझ लें कि रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन ऑब्टेन थ्रू डिबेंचर्स एट द स्पेसिफाइड डेट। द डेट ऑफ रिडेम्पशन इज नॉर्मली स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस इशूड फॉर डिबेंचर सेल एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट आर गिवन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होती है, बल्कि ये क्लियरली सारी चीज़ें टर्म्स जो हैं वो बताई जाती हैं। बेसिकली रिडेम्पशन को हम रीपेमेंट कहते हैं, जो कि हमने रीपेमेंट करनी होती है, जो हमने जनरल पब्लिक से लोन लिया एज अ डिबेंचर, उसको हम एक ख़ास टाइम के ऊपर, एक ख़ास डेट के ऊपर हमने डिसाइड किया होता है कि वो हम तमाम लोन जनरल पब्लिक से जो लिया है वो रिटर्न करेंगे। तो डेट ऑफ रिडेम्पशन जो है वो नॉर्मली प्रॉस्पेक्टस के ऊपर भी लिखी हुई होती है, मेंशन की हुई होती है, और डिबेंचर की क्या सेल और टर्म्स होंगी, पेमेंट की, ये सब चीज़ें भी हमारे प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखी हुई होती हैं। इसके साथ साथ जो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, यानी कि जिस तरह से शेयर होल्डर को एक सर्टिफिकेट इशू किया गया था और बताया गया था कि आप ये शेयर ख़रीदने के बाद आप कंपनी के अब शेयर होल्डर बन चुके हैं, इसी तरह जो डिबेंचर्स होते हैं, यानी कि जब हम लोन लेते हैं लोगों से तब भी हम उनको एक डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं जिसके अंदर तमाम डिटेल्स जो हैं वो मेंशन होती हैं। अब हमने अभी देखा कि दो तरह से डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, कैश और अदर देन कैश। तो हमने कैश की तो हमने बात कर ली कि किस तरह से क्या टर्म्स होती हैं, क्या मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं जिसके ऊपर कैश के ऊपर हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं अदर देन कैश, इट मीन्स अ कंपनी में परचेज एन असेट एंड इशू डिबेंचर्स टू द वेंडर इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। यानी कि कंपनी जो है कोई चीज़ परचेज कर रही है, कोई असेट ख़रीद रही है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो पेमेंट जो वो नहीं कर रही है अपने वेंडर को, तो वो चीज़ हमारी अदर देन कैश हो गई, यानी कि वो कोई और तरीके से उसको पे ऑफ कर रही है। अब यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर। अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया डिबेंचर को तो हम किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे? द डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस एंड शुड कंटिन्यू टू बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंटिल रिटन ऑफ। यानी कि मैंने किसी से लोन लिया 10 रुपये की चीज़ को, मैंने 8 रुपये के इस तरह हिसाब से जो मैंने लोन लिया तो मेरा एक तरह से लॉस हो गया। तो डिस्काउंट जो हम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो हमारा बेसिकली कैपिटल लॉस होता है और उसको हम शो कराते हैं असेट साइड पे, क्योंकि जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं उसको एज अ एक्सपेंस अकाउंट ट्रीट कर रहे होते हैं, और जब तक कि उसको हम अपनी कंपनी में से क्लियर नहीं कर देते उसको हम असेट साइड पे लिखते हैं ऑफ द बैलेंस शीट अंटिल रिटन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट फेज के अंदर हम बात करते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड शुड बी शोन ऑन द बैलेंस शीट जस्ट बिलो द डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि हमारा प्रॉफिट है तो उसको बैलेंस शीट में हम शो कराते हैं डिबेंचर अकाउंट के साथ साथ। इसके बाद फिर थर्ड आता है हमारे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस एंड शुड कंटिन्यू टू बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंटिल रिटन ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर।
The premium on redemption of the debenture is shown on liability side of the balance sheet. It is paid at the time of redemption. ठीक है, ये प्रीमियम जब हम अदा करते हैं, जब हम रिपेमेंट कर रहे होते हैं, उस वक्त इसकी अदायगी होती है. तो ये हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स थे जो कि हम देखते हैं अपने डिबेंचर्स के इशुएंस के टाइम पे, यानी कि अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो क्या हमारी कंपनी की प्रोफाइल पे फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम प्रीमियम पे कोई चीज़ इशू करते हैं तो उसकी रीपेमेंट के वक्त हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ यूजली पेड हाफ ईयरली एंड इट इज़ टू बी पेड वेदर देयर इज़ अ प्रॉफिट और लॉस. इंटरेस्ट को जो हम डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम हाफ ईयरली पे ऑफ कर रहे होते हैं, चाहे वो हमें प्रॉफिट में जा रहा हो हमारा मामला या फिर हमारे लॉस में जा रहे हो. अब इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ यहाँ पे एंट्रीज आपको बताई गई हैं कि किस तरह से हम उसको पास करते हैं. जैसे कि हमने डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट को लिख लिया अपनी डेबिट साइड पे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, एक खर्चे के तौर से इसको हम इंटरेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिख लिया है. इसके अगेंस्ट हमारे डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गए, क्योंकि पेबल है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे जाती है, वो हमने लिख दी. साथ ही साथ इनकम टैक्स ऑन डिबेंचर अकाउंट भी हमने लिख दिए, इफ़ एनी, क्रेडिट साइड पे. सेकेंडली फिर इसके बाद हम जब इस डिबेंचर को पे करते हैं यानी कि ख़त्म करते हैं अपने पास से, तो वहाँ पर हमारे पास एंट्री हो रही होती है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल अकाउंट हमारा चला जाता है डेबिट साइड पे. साथ ही साथ इनकम टैक्स ऑन डिबेंचर अकाउंट भी हमारा चला जाता है डेबिट साइड पे, क्योंकि ये क्लोजिंग हो रही है, हम अदायगी कर रहे हैं, वहाँ पे क्रिएट हुए थे ऊपर और नीचे हम अदायगी कर रहे हैं. और इसके साथ साथ हमारे पास से कैश भी कम हो जाता है, क्योंकि अब हमने ये डिबेंचर यानी कि अपना लोन जो है वो क्लियर कर दिया, तो ये भी हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे. नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स द न्यू शेयर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम. अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि जब डिबेंचर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स की सूरत में, तो जो नए शेयर्स होते हैं वो पार पे होते हैं या डिस्काउंट पे होते हैं या प्रीमियम पे होते हैं. ठीक है, तो डिबेंचर अकाउंट जो है वो बेसिकली हमारा डेबिट हो जाता है, और इसके साथ साथ हम डिस्काउंट पे अगर हमने दिए होते हैं डिबेंचर्स तो उसको हम ऑब्वियसली डिस्काउंट है तो वो हमारे पास जाएगा डेबिट साइड पे, प्रीमियम होता है तो वो जाता है क्रेडिट साइड पे. इसके साथ साथ फिर क्रेडिट साइड पे हम एंट्री कर देते हैं अपने शेयर कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि हमने डिबेंचर अकाउंट को कन्वर्ट करना है शेयर कैपिटल के अंदर. ठीक है, तो डिबेंचर अकाउंट क्लोज कर दिया और शेयर कैपिटल हमने यहाँ पे बना लिया, क्योंकि हम बेसिकली जो डिबेंचर्स ले रहे होते हैं यानी कि डिबेंचर्स जो इशू कर रहे होते हैं उससे हम अपना कैपिटल ही जनरेट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो डिबेंचर अकाउंट को क्लोज करके शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम डाल देते हैं, और अगर हमने इसमें पूरे प्रोसेस में किसी किस्म का कोई प्रीमियम कमाया है तो वो भी यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं. तो ये हमारी बेसिकली थोड़ी सी एंट्रीज थी जिसको हमने देखा यहाँ पे कि किस तरह से जब हम डिबेंचर्स जो हैं इशू करते हैं उसकी रिपेमेंट होती है तो वो किस तरह से हमारे बिज़नेस के ऊपर असरअंदाज होती है. उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़.